हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। इश्यू ऑफ शेयर्स चैप्टर का एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमने लिया हुआ है डीके गोयल की बुक से। तो आइए इस क्वेश्चन का एक बार हम गिवन पार्ट देख लेते हैं। मैंने वैसे कुछ पार्ट गिवन लिखा है आप लोगों के लिए, बाकी एक बार बुक से भी गो थ्रू कर लेते हैं ताकि सेम मैच हो जाए चीजें। देखिए क्वेश्चन हमें कहता है, बुक से मैं रीड कर रहा हूँ, हिंदुस्तान लिमिटेड इश्यू 20,000 इक्विटी शेयर, सॉरी 20,000 शेयर्स ऑफ ₹20 एट 20% प्रीमियम। यानी कंपनी जो है वो 20,000 शेयर इशू करना चाहती है, एक शेयर की फेस वैल्यू है ₹20 और 20% का प्रीमियम। 20% का प्रीमियम का मतलब हो गया, अगर अमाउंट में बात करें हम लोग तो रुपए, अगर 10% हो तो 2, तो ₹4 का प्रीमियम बनता है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन हमें क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है अमाउंट इज पेएबल एज फॉलोज। अमाउंट कैसे देना है, कहता है एप्लीकेशन पर आपने ₹5 देने हैं जी। ठीक है, ₹5 एप्लीकेशन पर। आपने अलॉटमेंट पर ₹6 देने हैं। मैंने इन दोनों को ब्रेकअप किया है, मैं समझाऊंगा मैंने 6 का 2+4 क्यों किया, आगे देखेंगे। फर्स्ट कॉल पर ₹7 बोला है क्वेश्चन ने और सेकंड कॉल पर, सेकंड एंड फाइनल कॉल पर ₹6। अच्छा, तो मैं ये समझाऊं आपको, पहले मैंने ये 2+4 क्यों लिखा है। देखो अगर कहीं नहीं कहा गया हो कि प्रीमियम कब आ रहा है तो क्या माना जाता है, अलॉटमेंट पर। तो अगर ₹4 प्रीमियम है अलॉटमेंट पर तो फेस वैल्यू कितना हुआ ₹2, इसलिए मैंने 2+4 लिख दिया। टोटल 20 और 4 ₹24 बन गए हमारे पास। आगे क्वेश्चन क्या कहता है ये देखें। क्वेश्चन कहता है एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 18,000 शेयर्स। एप्लीकेशन कितने शेयर्स के लिए रिसीव हुई, 18,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुई, यानी कि इशू अंडर सब्सक्राइब्ड है। कंपनी 20,000 इशू करना चाहती थी, एप्लीकेशन केवल 18,000 आई है। ठीक है, नाउ एंड ऑल वर एक्सेप्टेड, हमने उन सारी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट भी कर लिया। ऑल मनी वर रिसीव्ड एक्सेप्ट, कहता है सारा पैसा आ गया है एक्सेप्ट। अब जो एक्सेप्ट वाली बात है मैंने यहां लिखी है, इनके किस स्टेज पर नहीं आया अगर एटसेट्रा एटसेट्रा। तो क्वेश्चन सबसे पहले कहता है वसुंधरा, फर्स्ट पॉइंट कहता है वसुंधरा होल्डिंग 500 शेयर्स फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी एंड हर शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर अलॉटमेंट। तो वसुंधरा के पास देखिए जी 500 शेयर हैं, वसुंधरा के पास अलॉटमेंट की स्टेज पे लिखा है मैंने, इसने पैसा नहीं दिया, मैंने क्रॉस लगाया नहीं दिया, इसलिए हमने इसके शेयर फॉरफिट कर लिए आफ्टर अलॉटमेंट। कर लेंगे जी हम, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड पॉइंट कहता है तपस्या होल्डिंग 300 शेयर्स फेल्ड टू पे फर्स्ट कॉल मनी एंड हर शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर फर्स्ट कॉल। तपस्या ने 300 शेयर पर पैसा नहीं दिया, इसलिए मैंने क्रॉस लगाया, इसलिए हमने उसके शेयर भी फॉरफिट कर लिए फर्स्ट कॉल के बाद। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन क्या कहता है स्वर्णा, पॉइंट नंबर थर्ड में, स्वर्णा होल्डिंग 400 शेयर्स फेल्ड टू पे फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल मनी एंड हर शेयर वर फॉरफिटेड। अब ये दोनों में, दोनों के लिए आता है इसलिए मैंने दोनों में लगाया है, यहां पर भी और यहां पर भी। यहां एक और है हमारे पास शेयर होल्डर स्वर्णा, जिसने 400 शेयर पर नहीं पे किया, ना तो फर्स्ट कॉल और ना सेकेंड कॉल, इसलिए हमने इसके शेयर फॉरफिट कर लिए। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन हमें क्या कहता है, इन तीनों चीजों के बाद ऑल द फॉरफिटेड शेयर, जो फॉरफिट हुए हैं वसुंधरा के हमारे पास 500, तपस्या के 300 और स्वर्णा के 400, ये हमने क्या किया, ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स वर रेश्यूड एट ए डिस्काउंट ऑफ 10% एज फुली पेड अप। ठीक है, ऑल फॉरफिटेड शेयर्स रीइश्यू हो गए हैं एट ए डिस्काउंट ऑफ 10% एज फुली पेड अप। 10% डिस्काउंट का मतलब कितना हो गया जी, देखो ₹20 का शेयर था तो आपने कितना मंगाया, आपने कितना डिस्काउंट दे दिया, ₹2, ₹2 का डिस्काउंट दिया, यानी हर शेयर होल्डर से आपने कितने मंगाए, ₹18 मंगाए और उन्हें फुली पेड अप कर दिया। चलिए, कहता है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हिंदुस्तान लिमिटेड। आइए तो जर्नल एंट्रीज पर आते हैं। सबसे पहले हम बात करें, हमारे पास 18,000 शेयर की एप्लीकेशन आई है, तो 18,000 के हिसाब से हमें ₹5 मिलेंगे पर शेयर। तो आइए जर्नल एंट्रीज करें, जर्नल एंट्रीज करेंगे इन द बुक्स ऑफ हिंदुस्तान लिमिटेड, हिंदुस्तान लिमिटेड। यहां बात आती है हमेशा क्वेश्चन को समझने की, अगर क्वेश्चन समझ में आ गया ना तो फिर आंसर आ जाएगा। सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक डेबिट किया टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना आया है एप्लीकेशन का पैसा जी, एप्लीकेशन का पैसा आया है हमारे पास 18,000 शेयर्स पर शेयर ₹5, तो 18 × 5 करो जी कितना हो गया 90,000। ठीक है, 90,000 हमारे पास एप्लीकेशन का पैसा रिसीव हो गया। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे, नरेशन लिखें, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर 18,000 शेयर्स, 18,000 शेयर्स के लिए पैसा आया। अगली एंट्री क्या होगी,
ये जो पैसा आया है इसे ट्रांसफर करो कैपिटल अकाउंट में। आइए उठाएं शेयर एप्लीकेशन से पैसा। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इस अकाउंट को खत्म किया और इस पैसे को ट्रांसफर कर दिया कैपिटल में, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट वही 90,000 ही रहेगा क्योंकि पैसा वहीं से उठाया है 90,000 और ट्रांसफर कर दिया कैपिटल में। चलिए इसके बाद क्या करें जी, इसके बाद हम अलॉटमेंट पैक का पैसा मंगवाते हैं। आइए एंट्री नंबर थर्ड से पहले नरेशन लिख दें, अमाउंट ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में पैसा ट्रांसफर किया। थर्ड एंट्री पर आ जाओ जी, थर्ड एंट्री क्या होगी जी, अलॉटमेंट ड्यू करोगे। अलॉटमेंट ड्यू करेंगे तो एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट, डेटर बनाया हमने शेयर अलॉटमेंट को किस चीज के लिए, दो चीजों के लिए। अलॉटमेंट के समय एक तो प्रीमियम का पैसा आना है, 2+4 था, एक कैपिटल का, तो जो कैपिटल का है वो कैपिटल में जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट, और जो प्रीमियम का है वो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म यूज कर लेता हूं, आप लोग कोशिश करें पूरी चीजें लिखें, पूरा शब्द लिखें। आइए जी कितना पैसा आना, देखो 18,000 शेयर्स पर 6 रुपए आने हैं, 2 कैपिटल के और 4 प्रीमियम के, तो 18,000 गुना में 2 कैपिटल के, 18,000 गुना में 4 किसके आ गए, प्रीमियम के। 18 गुना में 2 करो जी कितना हो गया, 36,000। 36,000 का डबल यानी कि मेरे ख्याल से 72,000, देख लो चेक कर लेना सही बताया नहीं बताया, मैंने चेक करके बताओ सही बताया, चलो ठीक है। अच्छा 36 और 72 करो जी तो कितना होगा, 1,08,000। तो 1,08,000 हमने मंगवाया 36 कैपिटल के लिए और 72,000 प्रीमियम के लिए। नरेशन लिखें, अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 18,000 शेयर्स, 18,000 शेयर्स पर आपने अलॉटमेंट मनी ड्यू कर ली। अब जब रिसीव की बात आती है तो ध्यान दो, क्वेश्चन ने कहा था पॉइंट नंबर 1 में हमें, यहां पे उसने कहा था, मैंने पॉइंट वाइज नहीं लिखा, मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, उसने कहा वसुंधरा ने 500 शेयर्स पर अलॉटमेंट का पैसा नहीं पे किया, तो 500 पर पैसा नहीं आएगा, ठीक है। चलिए जी आइए, तो बाकी पैसा आ जाएगा बैंक में, कितना पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट से पैसा आ रहा है तो अलॉटमेंट वाला डेटर खत्म हो जाएगा, पूरा नहीं 500 का बचा रहेगा, वो फॉर फ्यूचर में काम लेंगे। हमें पैसा आएगा 17,500 से 6 रुपए, भाई 500 से नहीं आया ना तो बाकी से आ गए, तो 17,500 गुना में 6 करके मुझे बताओ कितना आएगा, कितना बता रहे हैं 1,05,000, ठीक है 1,05,000 आ गया। ये एक है 1,05,000। चलिए जी इसके बाद हम नरेशन लिखें यहां पर, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड फ्रॉम ऑल एक्सेप्ट 500 शेयर्स, 500 शेयर्स को छोड़ के सबने अलॉटमेंट का पैसा दे दिया। अब क्वेश्चन ने कहा भैया अलॉटमेंट के बाद ही फॉरफिट करो इन शेयर्स को, तो देखिए अलॉटमेंट के समय ये प्रीमियम का पैसा नहीं आया है, तो प्रीमियम का पैसा नहीं आया तो प्रीमियम रिवर्स होगा, आ गया होता तो रिवर्स नहीं होता, फिर हम छोड़ देते, तो इन 500 शेयर को फॉरफिट करने के लिए हमारा क्या होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट, सॉरी शेयर कैपिटल अकाउंट जितना मंगवाया था फेस वैल्यू का, कितना मंगाया फेस वैल्यू का, आपने 5 रुपए तो यहां मंगाए थे शुरू में एप्लीकेशन पर, मैं दिखाऊं आपको, यहां देखिए 5 एप्लीकेशन पे मंगवाए आपने और 6 रुपए 2+4 यानी 7 रुपए कैपिटल के मंगवाए थे और 4 रुपए प्रीमियम के मंगवाए थे। आइए 500 शेयर पर खत्म करें इस चीज को, आपने मंगवाया हुआ था 500 शेयर पर 7 रुपए कैपिटल का जो कि नहीं आया इसलिए खत्म हो रहा है, और साथ में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो नहीं आया वो भी रिवर्स होगा प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक है। आइए जी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में कितना आ जाएगा, 500 पर 4 रुपए, ये भी नहीं आया हम लोगों को, शेयर होल्डर ने ये पैसा भी नहीं दिया इसलिए हम इसे फॉरफिट कर रहे हैं, और फॉरफिट कर रहे हैं तो जो क्रेडिट कर रखा था प्रीमियम उसे हम वापस कर रहे हैं डेबिट। इसके बाद आ जाइए हमारे पास नेक्स्ट क्या है, हाँ ये पैसा, अच्छा इसमें से जो पैसा आ चुका है उसकी बात करें वो कहां जाएगा, वो जाएगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट में, जो पैसा आ चुका है। अच्छा कितना आया है, उसने केवल एप्लीकेशन का पैसा दिया था तो एप्लीकेशन पे कितना बनता है, 500 गुना में 5 रुपए यही दिया था, अलॉटमेंट का उसने नहीं दिया,
शेयर अलॉटमेंट का जो डेटर पड़ा था हमारा उसे भी खत्म करो, क्योंकि पैसा अब नहीं आना। कितना नहीं आना? 500 गुना में 6 रुपए नहीं आने। अगर आप देखो टोटल तो बराबर आएगा, देखो 7 और 4 11 और 6 और 5 भी 11 ही बनता है। ठीक है, चलिए जी, तो जरा 7 गुना में 5 करो, कितना आएगा? 3500, 2000, ये 2500 और ये 3000 रुपए। चेक कर लो जरा, 5500 और 5500। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 500 शेयर्स फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट का जो पैसा था वो उन्होंने नहीं पे किया, इसलिए हमने शेयर फॉरफिट कर लिए। इसके बाद अगली स्टेज पर चलो जी, अलॉटमेंट तक का हिसाब हो गया, अब आते हैं हम लोग फर्स्ट कॉल पर। अब ध्यान देना, फर्स्ट कॉल पर जो शेयर फॉरफिट हो गए, क्या इनसे पैसा मंगा सकते हो? नहीं। तो अलॉटमेंट पर आप कितने कितने लोगों से पैसा मंगाओगे? 7000 नहीं, 18 थे, 17500 से पैसा मंगाओगे, बाकी से पैसा आप नहीं मंगाएंगे। चलिए, तो अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल करें, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, पैसा मंगवा रहे हैं, टू शेयर कैपिटल के लिए मंगवा रहे हैं, तो शेयर कैपिटल क्रेडिट हो गया, शेयर कैपिटल अकाउंट। कॉल मनी ड्यू ऑन 17,500 शेयर्स, ध्यान रखें यार, 17,500 क्यों रखा है? क्योंकि 500 तो फॉरफिट कर चुके, वो तो अब एग्जिस्टेंस में नहीं, उनसे कैसे पैसा मंगवाओगे? अच्छा, फर्स्ट कॉल पे इन्होंने मंगवाना था आपसे 7 रुपए, तो 17,500 मल्टीप्लाइड बाय 7। ठीक है, बताइए 17,500 मल्टीप्लाइड बाय 7 कितना आएगा जी? मैं वेट कर रहा हूं आपका, कितना बता रहे हैं? 1,22,500, 1,22,500 ये मंगवाना है आपने। अच्छा, अब क्वेश्चन ने कहा है आपको कि किसका पैसा आया और किसका नहीं आया, उस पर आ जाएं। तो देखो यहां ध्यान से देखो, मैं आपको दोबारा गिवन पर ले चलूं। यहां तपस्या ने 300 पर नहीं दिया फर्स्ट कॉल, और स्वर्णा ने 400 पर नहीं दिया, यानी 700 का पैसा नहीं आया, जिसमें से फॉरफिट केवल 300 करना, ध्यान रखना फॉरफिट केवल 300 किए हैं, पैसा नहीं 700 का नहीं आया। आइए जी, तो देखिए मेरे साथ, बैंक अकाउंट पैसा आएगा डेबिट। ठीक है, कितने लोगों का पैसा आएगा? 17,500 में से भी 700 हटा दो, 17,500 में से 700 हटाते हो तो कितना आता है? 16,800, 16,800 से आपको 7 रुपए रिसीव हो रहे हैं। जो नहीं रिसीव हुए वो कहाँ जाएंगे? मैं कॉल इन एरियर अकाउंट बना लेता हूं, अगर आप नहीं बनाते तो रिस्पेक्टिव आपके कॉल में ही पड़े रह जाते, वो कॉल इन एरियर। कितने पर नहीं आया? 300 प्लस प्लस 400 ने 7 रुपए नहीं दिए, मैंने अलग लिखा था कि वो पता लगता रहे। ठीक है, टू ये किस चीज का था? ये पैसा था फर्स्ट कॉल का, तो फर्स्ट कॉल का जो डेटर था वो खत्म कर दो आज, फर्स्ट कॉल अकाउंट। आइए जी, यहां पे कितना आएगा? यहां आएगा ये 16 17,000, सॉरी पूरा डेटर खत्म होगा, मैंने 16 क्यों लिख दिया, 17,500 मल्टीप्लाइड बाय 7। ठीक है, यानी कि 1,22,500 ये डेटर खत्म हुआ, और उसकी जगह पैसा कितना आया? 16,800 गुना में 7 करो, कितना है? 1,17,600, 1,17,600। ठीक है, कॉल इन एरर कितना हो गया? 700 गुना में 7, 700 गुना में 7 मुझे बता दो कितना आ रहा है जी? मैं वेट कर रहा हूं आपका, कितना बता रहे हैं? 4900। ठीक है, 4900 ये आ गया। आइए, तो हम नरेशन लिखें, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 700 शेयर्स, कहते 700 शेयर को छोड़ के सबका पैसा आ गया फर्स्ट कॉल का। अब इसके बाद अगली एंट्री है एंट्री नंबर 8। एंट्री नंबर 8 में हम कह रहे हैं कि भैया जो 300 और 400, तपस्या के 300 स्वर्णा के 400, इसमें से जो 300 तपस्या के नहीं आए उसके शेयर फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट कर रहे हैं, तो आइए उन्हें फॉरफिट करें। शेयर कैपिटल, जो इन 300 शेयर्स पर पैसा मंगवा रखा था वो नहीं, जो मंगवाया था वो यहां आएगा। प्रीमियम देखो, अलॉटमेंट पे था, इन्होंने प्रीमियम दे दिया होगा, तो दे दिया होगा तो प्रीमियम आ चुका है, भूल जाओ, कुछ नहीं करना, मानो ही मत प्रीमियम था। टू शेयर फॉरफीचर, शेयर फॉरफीचर में प्रीमियम को छोड़कर जो पैसा आ चुका है, तो 5 प्लस 2 7 आ चुका है। पहले तो मैं यहां लिखूं मंगवाया कितना है, 300 गुना में आपने मंगवाया है 5 प्लस 2 7 और 7 14, 14 रुपए मंगवाए थे, जिसमें से इनके आए कितने?
300 गुना में एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के फेस वैल्यू ₹7 आए। आया क्या नहीं, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं आया। फर्स्ट कॉल का हमने जो डेटर बना लिया था, कॉल इन एरियर बनाया था, उस डेटर को खत्म करो। कॉल इन एरियर अकाउंट कितना, उस 300 पर आपके नहीं आए फर्स्ट कॉल के ₹7। ठीक है, तो चलो 3 × 7 करो, ये जरा ये कितना आ जाएगा मेरे पास बताओ, 300 × 14 करो कितना आ रहा है, 4200। ठीक है, ₹4200 में से ये हमने मंगवाया था, इसमें से आया कितना है 300 × 7 यानी 2100 आ चुका और बाकी 2100 अभी नहीं आया है। ठीक है ना, चलिए यहां नरेशन लिखें, 300 शेयर्स फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल मनी आपने नहीं पे किया इसलिए हमने वो शेयर फॉरफिट कर लिए। इसके बाद आओ नाइन्थ एंट्री पर। नाइन्थ एंट्री में अब क्या करेंगे हम लोग, सेकेंड कॉल करेंगे। सेकेंड कॉल जब आप करेंगे तो नरेशन क्या होगा, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट करेंगे टू, किसके लिए मंगा रहे हैं पैसा, शेयर कैपिटल के लिए, शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल की बात करते हैं, इन पैसे की बात करें फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल की, तो सेकेंड कॉल में देखो पहले ही हमारे 500 तो हमने अलॉटमेंट पे फॉरफिट कर दिए थे, 17500 बचे। 17500 के बाद 300 शेयर और फॉरफिट कर लिए तो हमारे पास अब कितने बचे हैं शेयर, हमारे पास बचे हैं 7200। इस पर हमें अलॉटमेंट का फाइनल यानी ₹6 मंगाना है। ठीक है, तो 17200 × 6 करो, मुझे बताओ कितना आ रहा है, कितना बोल रहे हैं, 103200। 103200 ये आना चाहिए, पर स्वर्णा जिसने 400 शेयर पर पैसा नहीं दिया उसकी बात करेंगे। सेकेंड कॉल मनी ड्यू, ये आपने पैसा ड्यू कर लिया। इसके बाद आते हैं एंट्री नंबर 10 पर। सेकेंड कॉल में हम जब बात करेंगे सेकेंड कॉल के पैसे आने की, तो देखो हमारे पास क्या पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, प्लस कॉल इन एरियर। 400 पर नहीं आया ना, जो नहीं आया वो कॉल इन एरियर में ट्रांसफर करो, और जो पुराना डेटर था सेकेंड कॉल उसे पूरा खत्म कर दो। शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, ठीक है ना, चलिए कितना बनेगा, 103200 आना चाहिए था, 103200 आया कितना, या मैं कह दूं कितना नहीं आया, 400 शेयर ने ₹6 नहीं दिए यानी ₹2400 नहीं आए हमारे पास जी। तो 400 ये 2400 नहीं आए तो आए कितने हमारे पास, 7200 कह रहा हूं, सॉरी 7200 नहीं, इसमें से भी 400 हो गए ना, तो 400 हटाओ 7200 में से भी, तो 16800 ने ₹6 दिए हैं। तो जरा मुझे बताइए आप ये कितना अमाउंट बनेगा जल्दी से। हाँ जी मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों का, कितना बता रहे हैं, 16800 × 6 कितना, ₹1,800। ₹1,800 आपको रिसीव हुए हैं, 1,800 और ये करें तो 32, ठीक है सही है अमाउंट ये। हाँ नरेशन क्या हो जाएगा, सेकेंड कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 400 शेयर्स। 400 क्यों बात कर रहा हूं जी, क्योंकि पहले वाले तो फॉरफिट हो चुके हैं, अब तो हम बात कर रहे थे कितने की, केवल 17200 की। आपने यहां कॉल मनी ड्यू कितने की थी, ऑन 17200 पर ही ड्यू की थी। 17200 में से अगर 400 का नहीं आया तो कितने पैसे पे आया, 16800 पे आया। ठीक है चलिए अब आते हैं अगली बात पर। क्वेश्चन कहता है कि भैया अब सेकंड कॉल के बाद स्वर्णा की 400 शेयर भी फॉरफिट करो जिसने फर्स्ट और सेकंड कॉल नहीं पे किया। फर्स्ट और सेकंड कॉल बनता कितना टोटल हमारा, ₹13 बनते हैं जो नहीं पे किए। आइए जी, फर्स्ट कॉल नहीं अलॉटमेंट दे दिया होगा यानी प्रीमियम हुआ था, प्रीमियम आ चुका है तो प्रीमियम को भूल जाओ, कुछ नहीं करना। आइए शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, डेबिट कर रहे हैं, जो पैसा आ चुका है वो कहां जाएगा, वो जाएगा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में। जो नहीं आया वो जिस चीज के लिए नहीं आया, कॉल इन एरियर है, दोनों कॉल का पैसा नहीं आया तो दोनों कॉल कंबाइंड कर लेते हैं क्योंकि कॉल इन एरियर एक ही अकाउंट बनाया था हमने। तो देखो कितना पैसा मंगवाया था आपने, मंगवाया था 400 शेयर्स पर पूरे ₹20 क्योंकि फाइनल कॉल तक आ गए हैं आप, तो 4 × 2 = ₹8,000 हो गए। ठीक है आपके पास आया कितना है, या मैं आपके कह दूं आपके पास आया कितना नहीं, आपके पास 400 पर ₹13 नहीं आए फर्स्ट कॉल के साथ सेकंड कॉल के ₹6, तो बाकी आया कितना है आपके पास,
400 पर आपकी फेस वैल्यू की बात करना, क्योंकि इस प्रीमियम इस क्वेश्चन में या इस पॉइंट पर आपने, क्योंकि इन्होंने प्रीमियम दे दिया था, भूलना है प्रीमियम था भी क्वेश्चन में, तो फेस वैल्यू की बात करो। तो उन्होंने पहले 5 दिया और 2 दिया, तो 5 और 2 7, ये पैसा आपको मिल चुका है इनसे। चलिए जी, तो लिखें जरा इनको, 7 चौक 28, ठीक है, और ये 400 गुना में 13 कितना होगा, ये होगा 26, 26 गुना में 2 52, यानी 5200 रुपए, 5200। ये क्लियर है जी बात यहां तक? ठीक है, आपने क्या किया, 400 शेयर्स को फॉरफीट कर लिया, 400 शेयर्स फॉरफीटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड कॉल मनी, ये आपने पैसा नहीं दिया इसलिए हमने फॉरफिट किया। अब इसके बाद क्वेश्चन क्या कहता है, सारे स्टेजेस पूरी हो गई, अब कहता है ये सारे शेयर जो फॉरफिट किए थे 500 अलॉटमेंट के बाद, 300 फर्स्ट कॉल के बाद और 400 सेकंड कॉल के बाद, 500 300 800 और 400 यानी 1200 शेयर, ये 1200 शेयर रीइश्यू कर दो 10% डिस्काउंट में। आइए जी रीइश्यू करें, एंट्री नंबर 12 हो जाएगी हमारे पास, ये रीइश्यू करेंगे तो पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, नुकसान जो होगा वो कहां से भरपाई करेंगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट से, और जो कैपिटल में जाएगा पूरा शेयर कैपिटल अकाउंट आईएच। तो 1200 शेयर हैं आपके, 1200 गुना में 20 जाएगा कैपिटल में, ध्यान रहेगा 1200 गुना में 20 जाएगा कैपिटल में। पैसा कितना नहीं आया, उसने कहा 10% नहीं आया, तो 2 रुपए नहीं आया, 1200 पर 2 रुपए नहीं आया, आया कितना 1200 पर आपके पास आया है पूरा 18 रुपए, ठीक है जी। चलो 1200 गुना में 18 मुझे बताओ कितना आ रहा है, कितना बोल रहे हैं 21600 आपके पास आ गया, आया क्या नहीं 2400, आना क्या चाहिए था 12 गुना में 2 यानी 24000 रुपए, 24000 में से आपने 2400 यानी 10% का डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। 1200 शेयर्स रीइश्यूड एट द रेट 10% डिस्काउंट, आपने 10% डिस्काउंट में रीइश्यू कर दिया। चलिए इसके बाद चलते हैं अगले स्टेप पर, लास्ट स्टेप पर, कि जो शेयर फॉरफीचर में बैलेंस पड़ा है आफ्टर लॉस ऑन रीइश्यू उसको ट्रांसफर करो कैपिटल रिजर्व में। आइए एंट्री नंबर 13 पर, शेयर फॉरफीचर अकाउंट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, आप ट्रांसफर कर रहे हैं उस लॉस उस रिजर्व को कैपिटल रिजर्व में फॉरफीचर को। देखो तो फॉरफीचर था कितना, अगर हम बात करें यहां से शुरू से, देखिए फॉरफीचर कहां होना शुरू हुआ था, ये अलॉटमेंट मनी मंगाई, ये अलॉटमेंट रिसीव हुआ, यहां फॉरफीचर 2500 रुपए तो यहां है फर्स्ट कॉल पर, 2100 यहां, 2500 और 2800, ये 2500 2100 और 2800। तो देखिए आप ध्यान से समझिए, आपके फॉरफीचर का बैलेंस है कितना, 2500 प्लस 2100 प्लस 2800, ये 3 अमाउंट है आपका। टोटल कितना बनता है इसका, अगर टोटल बनाए हम लोग तो बताइए मुझे जरा, 2500 2100 और 2800 का टोटल करके कितना बता रहे हैं, 7400। ये 7400 आपने फॉरफिट किया है, इसमें आपने यूज कर लिया, यूज्ड ऑन रीइश्यू, रीइश्यू के समय कितना यूज किया आपने, आपने यूज किया है रीइश्यू के समय 2400 रुपए, ठीक है जी, 2400 यूज कर लिया तो 2400 घटा दो, बाकी कितना बचता है, मेरे ख्याल से 5000 बच गया। ये 5000 क्या करो, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। किसी को लगता है ये वर्किंग नोट जैसे काम करेगा, तो ये लो वर्किंग नोट के लिए आपके पास आ गया, यहां लिख देना अमाउंट, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट टू बी ट्रांसफरेबल टू या टू बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व, 5000 रुपए। आइए 5000 रुपए आपने बचे हुए ट्रांसफर कर दिए कैपिटल रिजर्व में, ठीक है। बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है जी। चलिए तो ये क्वेश्चन हमारे पास खत्म हो गया है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलूंगा। आप कहें तो मैं एक बार एंट्री सारी आपको दोबारा से दिखा देता हूं। ये देखिए, सबसे पहले आपने अलॉट एप्लीकेशन का पैसा रिसीव किया, उसे ट्रांसफर किया कैपिटल में, फिर अलॉटमेंट ड्यू किया, अलॉटमेंट का पैसा रिसीव किया, जिनसे नहीं आया उन्हें अपने फॉरफिट किया, उसके बाद आपने फर्स्ट कॉल ड्यू किया, फर्स्ट कॉल से पैसा रिसीव किया, जिनसे पैसा नहीं आया फर्स्ट कॉल का उन्हें फॉरफिट किया, ठीक है।
इसमें एक्सेप्शन क्या है, फर्स्ट कॉल का आने को तो स्वर्णा का भी नहीं आया था, बट स्वर्णा का सेकंड कॉल के बाद आपने फॉरफिट किया है क्वेश्चन ने जैसा कहा, ठीक है। इसके बाद सेकंड कॉल ड्यू किया, सेकंड कॉल रिसीव किया और फिर हमने जो पैसा नहीं आया उसे फॉरफिट कर लिया जिन शेयर होल्डर्स ने। इसके बाद हमने री इशू किया और री इशू के बाद आखिरी एंट्री क्या है, एंट्री नंबर 13, कि जो शेयर फॉरफीचर में बैलेंस बचा हुआ था उसे हमने ट्रांसफर कर दिया कैपिटल रिजर्व में, क्योंकि अब इसका वहां पे कोई काम नहीं है, इसे अब यूज हो चुका है, री इशू पूरा हो गया, ट्रांसफर कर दो। चलिए तो आप इसे अब नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और इस क्वेश्चन में कोई डाउट क्वेरी आती है तो मुझे जरूर बताना, बट क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से आराम से समझना, मैं इसीलिए धीरे कराता हूं, अदरवाइज मैं जल्दी सॉल्यूशन करा दूं, मुझे क्या जल्दी है, बट आपको प्रॉब्लम हो गई अगर आप समझेंगे नहीं तो, फिर समझ के करना है, इसलिए थोड़ा स्लो चलें, बाद में स्पीड बढ़ा लेना, ठीक है। चलिए सॉरी